पूरे पीएसएल में भी इतनी व्यूअरशिप नहीं आई जितनी 4 दिनों के आईपीएल में आ गया। न्यूजीलैंड ने आईपीएल खेलने की खातिर भारत को खुश किया। तो ये भाई साहब आईपीएल का लेवल है, इसको बोलते हैं बड़ी लीग। ये आईपीएल का म्यार जो लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। अबू है जो आपका आईपीएल वो व्यूअरशिप में आपके पीएसएल को ना मतलब औकात में नहीं रखता, इधर चढ़ा के रखता है, इधर चढ़ा के रखता है। 147 करोड़ वीडियो व्यूज अक्रॉस द 3 डेज, 147 करोड़। ये मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या बात, ये बात है। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2023 का व्यूअरशिप ने इतिहास में नया झंडा गाड़ दिया है। दोस्तों आईपीएल के सिर्फ 4 दिन में ही 127 करोड़ व्यूअरशिप आके दुनिया को चकित कर दिया है। दोस्तों इसे देख पाकिस्तानी मीडिया के रोंगटे खड़े हो गए। उनका कहना है कि पूरी पीएसएल में भी इतना व्यूअरशिप नहीं आया, लेकिन आईपीएल ने सिर्फ 4 दिन में ही ये कारनामा कर दिखाया है। दोस्त इस पर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पीएसएल जो है वो बड़ा बेहतरीन है, बाढ़ में जाए आईपीएल, ये करे वो करे, उन घंटों को मैं भी जवाब देने लगा हूँ। आईपीएल जो आपका अब्बू है ना, ऑफिशियली अब्बू है जो आपका आईपीएल, वो व्यूअरशिप में आपके पीएसएल को ना मतलब औकात में नहीं रखता, इधर चढ़ा के रखता है, इधर चढ़ा के रखता है। अभी कितने को दिन हो गया यार, कितने को दिन हो गए हैं आईपीएल को शुरू हुए? 4-5 दिन ही हुए हैं ना। 4-5 दिन में आईपीएल ने जो व्यूअरशिप हासिल की है ना, रिकॉर्ड वाली व्यूअरशिप हासिल की है, पूरे पीएसएल में भी इतनी व्यूअरशिप नहीं आई जितनी 4 दिनों के आईपीएल में आ गया। बात तो सही है। तो जनाब आईपीएल 2023 अभी टोटल 5 दिन इसको जो शुरू हुए हैं और जियो सिनेमा के ऊपर इसने सारे जो है व्यूअरशिप के रिकॉर्ड जो तोड़ के रख दिए हैं। आपको नहीं मालूम है कि आईपीएल को जियो सिनेमा के ऊपर कितने लोगों ने देखा? तो जनाब मैं आपको बता देता हूं, 147 करोड़ लोगों ने आखिरी 5 दिन यानी कि पहले जो 5 दिन है 147 करोड़ लोगों ने आईपीएल को सिर्फ जियो सिनेमा के ऊपर देखा है। और इसका जियो सिनेमा को कितना फायदा हुआ आपको मालूम है? बाकी सारा छोड़े, जियो सिनेमा का जो ऐप है उसको 5 करोड़ लोगों ने इन 5 दिन के अंदर जो है वो डाउनलोड किया है। 147 करोड़ पीएसएल की पूरे सीजन की व्यूअरशिप नहीं थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आप देखेंगे टीवी पे अगर देखा जाए स्टार स्पोर्ट्स वगैरह पे 14 करोड़ लोग जो है वो 5 दिन के अंदर आईपीएल को देख चुके हैं। और बाकी फेसबुक को आप छोड़ ही दे, फेसबुक पे वो जो वॉच पार्टी होती है ना उसे आप छोड़ ही दे, उस पर कितनी है वो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन जियो सिनेमा ये रिपोर्ट कर रहा है कि आज तक यानी कि पिछले 5 दिन में 147 करोड़ लोगों ने जो है वो ऑनलाइन इस मैच को देखा है, और साथ में अगर देखें तो 5 करोड़ जो है वो डाउनलोड्स हुए हैं जियो सिनेमा के। तो ये भाई साहब आईपीएल का लेवल, इसको बोलते हैं बड़ी लीग, ये आईपीएल का म्यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो 5 मैचों का ये डेटा है जिसको ओपनिंग वीकेंड का नाम दिया जा रहा है। 147 करोड़ वीडियो व्यूज अक्रॉस द 3 डेज, 147 करोड़। ये मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, 147 करोड़ ये वीडियो व्यूज हैं जो कि जियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सट्रैक्ट हुए हैं। और अभी तक 147 करोड़ व्यूज आ चुके हैं, यानी 147 करोड़ लोगों ने ये 5 मैचों को एक्सेस किया है जियो सिनेमा की ऐप पे। मजा आया। न्यूजीलैंड ने आईपीएल खेलने की खातिर भारत को खुश किया है, और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छिन जाना। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने और उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। खत्म।